हार्दिक पांड्या का समय अच्छा नहीं चल रहा। मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या फैंस के गुस्से का शिकार बनते आ रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं वहां उनकी हूटिंग हो रही है। मुंबई इंडियंस की टीम सोमवार को अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेलने उतरी थी। MI की टीम मौजूदा सीजन में अपना पहला मैच होम ग्राउंड पर खेल रही थी, मगर यहां भी हार्दिक पांड्या दर्शकों के गुस्से का शिकार होने से नहीं बच सके। वानखेड़े स्टेडियम पर दर्शकों ने मुंबई इंडियंस के कप्तान की जमकर हूटिंग की। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस हूटिंग से खासे नाराज दिखे और उन्होंने दर्शकों से हूटिंग न करने को अपील भी की। आपको बता दें, रोहित शर्मा डीप पर फील्डिंग कर रहे थे तब उन्होंने इशारे से दर्शकों को शांत रहने को कहा और हार्दिक पांड्या के हूटिंग बंद करने की गुजारिश भी की। इससे पहले टॉस के समय भी हार्दिक पांड्या की जमकर हूटिंग हुई थी, तब प्रसारणकर्ता संजय मंजेकर ने दर्शकों को कहा कि यह व्यवहार सही नहीं है और अपना व्यवहार सही रखें। बहरहाल रोहित शर्मा ने संजय मंजेकर की तरह सीधे तो दर्शकों को कुछ नहीं कहा, लेकिन हिटमैन ने इशारा करके दर्शकों को हूटिंग बंद करने के लिए जरूर कहा। रोहित शर्मा भी दर्शकों से अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हार्दिक पांड्या के साथ साथ मुंबई इंडियंस का भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। मुंबई इंडियंस को सोमवार को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी शिकस्त सहनी पड़ी थी। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल के हाथों 6 विकेटों की पराजय झेलनी पड़ी। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2024 की पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर आ गई है। मुंबई को अब अगले मैच में 6 दिनों का ब्रेक मिला है। हार्दिक पांड्या और टीम प्रबंधन की कोशिश अगले मैच में पहली जीत दर्ज करने की होगी। मुंबई अपना अगला मैच 7 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम पर ही खेलेगा। NP टाइम्स की रिपोर्ट।